नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल किडनी एक्सपीरियंस में। दोस्तों, बहुत सारे लोग हमें हमारे वीडियोस के नीचे कमेंट में लिखते हैं कि डोनर का ब्लड ग्रुप और पेशेंट का ब्लड ग्रुप ये है तो क्या हम ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही टॉपिक के बारे में पूरी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। डोनर का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए और पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, तब जाके वो लोग किडनी ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो यही टॉपिक पे है हम इस वीडियो में। तो वीडियो को जरूर से पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। देखिए, ब्लड ग्रुप, जब ट्रांसप्लांट की बात आती है तो ब्लड ग्रुप में हमारे हर एक के ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव या नेगेटिव चीज होती है। मतलब कि हम जब रिपोर्ट देखते हैं तो हमारे ब्लड ग्रुप का जो साइन होता है ए बी, ए बी या ओ, उसके आगे या पीछे पॉजिटिव या माइनस, प्लस या माइनस की साइन होती है। मतलब कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव है तो ये दिखाता है। लेकिन जब ट्रांसप्लांट की बात आती है तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ मायने नहीं रखता है, सिर्फ ब्लड ग्रुप का जो प्रकार है वही मायने रखता है। तो मैं बताता हूं आपको पेशेंट की ओर से भी और डोनर की ओर से भी कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है और तो सामने वाले का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, तब जाके आप ट्रांसप्लांट के लिए आगे बढ़ सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं डोनर की तरफ से। अगर आप डोनर हो और आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आप ए या ए बी पेशेंट को अपनी किडनी दे सकते हो। आप डोनर हो और आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आप बी और ए बी पेशेंट को किडनी दे सकते हो। अगर आप डोनर हो और आपका ब्लड ग्रुप है ए बी तो आप सामने ए बी वाले को ही अपनी किडनी दे सकते हो, डोनर को, सॉरी पेशेंट को। आप डोनर हो ए बी तो आप ए बी वाले पेशेंट को ही अपनी किडनी दे सकते हो। अगर आप डोनर हो और आपका ब्लड ग्रुप है ओ, पॉजिटिव या नेगेटिव तो मायने रखता नहीं है, ओ है, तो आप यूनिवर्सल डोनर हो, आप सभी को किडनी दे सकते हो। मतलब कि ए बी, ए बी और ओ, सबको आप किडनी दे सकोगे। ये था डोनर की तरफ से। आपको ये चीजें थोड़ी कंफ्यूजिंग लगेगी तो इस इमेज को ध्यान से जरा देखिए। इस इमेज में सब समझाया हुआ है तो आपको ध्यान से जरा इस इमेज को देखिए। अब बात करते हैं पेशेंट की। आप पेशेंट हो और आपका ब्लड ग्रुप है ए तो आप ए या ओ डोनर की किडनी आप ले सकते हो। अगर आप पेशेंट हो और आपका ब्लड ग्रुप है बी तो आप सामने डोनर होना चाहिए बी या ओ। अगर आप पेशेंट हो और आपका ब्लड ग्रुप है ए बी तो ये बहुत अच्छी बात है, आप किसी की भी किडनी ले सकोगे। ए बी वाला पेशेंट ए बी, ए बी और ओ सबकी किडनी ले सकता है। और अगर आप पेशेंट हो और आपका ब्लड ग्रुप है ओ, तो आपका डोनर भी होना चाहिए ओ। तो दोस्तों यही चीज थी, इसकी भी इमेज आप ध्यान से जरा देख लीजिएगा। ये पेशेंट की साइड से है, आप पेशेंट हो इस तरह से समझ के इस इमेज को देखिएगा। दोस्तों, ये बात हुई ब्लड ग्रुप की। आप पेशेंट हो या डोनर हो और आपके फैमिली मेंबर में जो भी पेशेंट या डोनर है, ये आपका ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए। ये बेसिक चीज है, ब्लड ग्रुप पेशेंट और डोनर का मैच इस तरह से, इस दो इमेजेस और ये पूरे वीडियो में जो मैंने समझाया उस तरह से मैच होना, ये बेसिक चीज है, ये फर्स्ट चीज है कि इस तरह से मैच होना चाहिए, तभी जाके वो लोग ट्रांसप्लांट के लिए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये बात हुई सिर्फ ब्लड ग्रुप की। अगर ब्लड ग्रुप मैच हो भी जाता है तो उसके बाद भी बहुत सारे रिपोर्ट पेशेंट और डोनर दोनों के किए जाते हैं। पेशेंट और डोनर दोनों 100% सभी तरह से फिट होने चाहिए, तभी जाके वो लोग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। उसके बाद भी एक सबसे बड़ा रिपोर्ट होता है किडनी मैचिंग का, जिसको बोलते हैं एच एल ए रिपोर्ट। एच एल ए रिपोर्ट क्या है, कैसा होता है, उसके बारे में क्या है इंफॉर्मेशन, उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है क्योंकि वो बहुत बड़ी डिटेल है। तो उसका वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है, तो आप वहां जाके उस एच एल ए रिपोर्ट के बारे में जान लीजिएगा। अगर आपका एच एल ए रिपोर्ट भी मैच नहीं होता है या फिर दोनों का ब्लड ग्रुप अलग अलग है लेकिन दोनों फिट है, दोनों किडनी डोनेट करने के लिए रेडी है और पेशेंट किडनी लेने के लिए रेडी है और दोनों हर तरीके से बाकी के सारे रिपोर्ट सही है, तो आप लोग क्रॉस ट्रांसप्लांट के लिए जा सकते हो। क्रॉस ट्रांसप्लांट क्या है, किस तरह से होता है, उसके लिए हमने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है जिसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन पे रखी हुई है और हमारे चैनल पे उसका थंबनेल कुछ ऐसा दिखेगा, ये इमेज जो आपकी स्क्रीन पे आई है इसके जैसा जो थंबनेल दिखता है, वो वीडियो आप जरूर देखेगा। क्रॉस ट्रांसप्लांट की बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हमने दी हुई है। फिर भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो किडनी ये ट्रांसप्लांट के बारे में या फिर ब्लड ग्रुप एक्सचेंज के ब्लड ग्रुप के बारे में, तो हमें इस वीडियो के कमेंट में जरूर से आपका सवाल लिखेगा, हम आपके कमेंट का जरूर से जवाब देंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल में आपको हमारे खुद के एक्सपीरियंस वाले वीडियोस देखने को मिलेंगे और बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी।
और अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो और इस वीडियो में आपको लगता है कि कुछ अच्छी जानकारी आपको जानने को मिली, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमें खुशी होगी। थैंक यू दोस्तों, आपका समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।